पूर्वांचल अंडा उत्पादक कृषक कल्याण समिति के तत्वावधान में अंडा उत्पादक अंडा उत्पादन के उत्पादन मूल्य से कम बिक्री दर पर बिक्री होने से हो रहे नुकसान को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। पूर्वांचल अंडा उत्पादक कृषक कल्याण समिति के उपाध्यक्ष साकेत सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा मक्का के MSP घोषित होने के बाद से अंडा उत्पादकों को महंगे दाम पर मक्के की खरीदारी करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से अंडा उत्पादन की लागत महंगा हो रहा है। इसी के संबंध में जिलाधिकारी से मिलकर हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में अंडा उत्पादक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए पूर्वांचल अंडा उत्पादक कृषक कल्याण समिति के उपाध्यक्ष साकेत सिंह ने कहा, के बावजूद मीडिया ने लॉस क्योंकि वो अपना रेट इस तरह से रखे हुए कि हम छोटे छोटे फार्मर्स को इजीली तोड़ लें और वो कर रहे हैं, वो अपने उसमें जो है सक्सेसफुल है। अब पोजीशन है वो आप लोग 3.25 रुपये में शायद आप बेचते हो, अब आप 3 रुपये में बेचते हैं, कैसे 25% कैसे 25% कैसे वहाँ का बिजनेस हमारी वजह से इम्पैक्ट हुआ और जयपुर के मार्केट की वजह से, और ये हो गया है सर लीडर बेंचमार्क, यही हो गया है इसके, तो सर ये बेंचमार्क है सर। पहली बात इसको बना बहुत बढ़िया मिलना चाह रहे हैं हमें, कहा सर ये जो रेट का सिस्टम है पहले एक क्लियर हो, और ये जो रेट का सिस्टम बरवाला से है इसको तोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग DM साहब से मिले, मैं पूर्वांचल अंडा समिति का उपाध्यक्ष हूँ, साकेत सिंह नाम है मेरा। हम लोग अभी DM साहब से मिले, अपनी परेशानी उनके सामने उनके समक्ष रखा हमने। हम बेसिकली हमारी परेशानी अंडे के कॉस्टिंग को लेकर के है। हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया यहाँ पे और UP में अंडे का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाया, जो कि पहले अंडे का प्रोडक्शन UP में काफ़ी कम था और बरवाला से अंडा आया करता था। हम लोगों ने सरकार के नीति के द्वारा उसको फॉलो करते हुए हमने गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया और उस लोन के तहत हमने अपना फार्म खोला, और उसमें लोन में जो जियो था उसमें ये लिखा था गवर्नमेंट ऑफरिंग में कि आपकी इतनी कमाई होनी है। उस टाइम भी वो एकदम सही नहीं बैठ रहा था, लेकिन हम लोग इतनी कमाई कर ले रहे थे कि लोन का पैसा दे रहे थे, और हमें लगता था जिस दिन लोन का पैसा ख़त्म होगा उस दिन चलो हमारी कुछ कमाई होगी, हमारे घर में कुछ पैसे आएंगे। लेकिन लोन का अभी ख़त्म होने का क्या था, गवर्नमेंट ने MSP लगा दी मक्के पे। MSP लगने के बाद जो दिक्कत ये हुई कि MSP 17 की लगाई, लेकिन हमें जो मक्का मिल रहा है वो मिल रहा है 22 से 23 रुपये में, बीच में जमाखोरी हो रही है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो मक्का हमें 12 से में मिल रहा था वो 22 या 23 रुपए में मिल रहा है, तो सपोज करिए मैं 50,000 का फार्मर हूँ, मेरे यहाँ रोज़ 5 टन दाना बनता है जिसमें 2 टन मेरा मक्का लगता है, और हर 1 किलो पे अगर 10 रुपए बढ़ गया तो 2 टन में आपका ऐसे ही 20,000 बढ़ गया, तो 20,000 तो हमारा प्रॉफिट नहीं है रोज़ का, 20,000 हमारा नुकसान हो गया, तो हमें अपने जेब से देना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट ने रेट तो बढ़ा दिया किसानों को अपने फेवर में करने के लिए, लेकिन हम लोग भी तो किसान हैं, अंडे से सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन कुछ नहीं है। हर एक गरीब आदमी को भी 5 रुपये 4 रुपये 3 रुपये में अंडा मिल जाता है और उसका पेट भर जाता है। अभी सब्जी लेने जाइए तो देखिए कितना महंगा मिलता है। हम लोग एक तो अच्छे के लिए काम किया आगे बढ़ने के लिए, और यह हमें अपना घर बेचने की नौबत आ गई है, अपना ज़मीन बेचने की नौबत आ गई है, क्योंकि हमें लोन का पैसा तो देना ही है। DM साहब ने आश्वासन दिया है कि वो योगी जी से आए फिर उनसे मुलाकात हो। हमने उनसे ये पॉइंट रखा कि एक तो जो MSP है मक्के की तय हुई है, अगर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो या तो अंडे की एक MSP रख दीजिए, और या तो जो MSP प्राइस है मक्के का कायदे से उस MSP प्राइस पे हमें मक्का मिलना चाहिए। MSP प्राइस 17 रुपये हमें मिल रहा है 22 से 23 रुपये में, उसमें भी एक ह्यूज गैप है 5 से 6 रुपये का, जो कि हमारे कॉस्टिंग बहुत बढ़ा देती है। हमें MSP प्राइस पे दिलाया जाए, जमाखोरी रोकी जाए, और अंडे को बाकी प्रदेशों की तरह मिड डे मील में शामिल किया जाए, जेल में शामिल किया जाए वहाँ के भोजन में, जिससे यहाँ पे खपत बढ़ सके और रेट उसी हिसाब से इंक्रीज हो सके।